अरे वाह वाह मिनी, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। इस बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी खाने का तो अपना एक अलग ही मजा है। अब बहुत अच्छा किया जो खिचड़ी बना दिया, मजा आ गया। हाँ जी, ये लो खाओ, गर्मा गर्म है। हाँ हाँ, अरे मिनी, ये बगल में कोई आया है क्या? हाँ, मैंने भी देखा, एक परिवार आया है, कौओं का परिवार है, लेकिन पता नहीं कैसे हैं, क्या है। एक बार को मनाया, जाकर बात करूं, फिर थोड़ा डर लगने लगा। नए लोग हैं, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, पता नहीं। अरे जाने दो, पता नहीं कुछ कैसे लोग हैं, कहां से आए हैं, और इस गांव में भी एकदम से नए हैं। तुम खुद से जाकर कुछ भी बोला बोली मत करना, रुक जाओ, खुद से आएंगे वो, अगर जान पहचान हो जाएगी तो। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, पहले देख लेती हूँ गांव के और लोग उनके साथ मुलाकात करते हैं या नहीं, उसके बाद ही मैं भी वैसा ही काम करूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया। क्या? मुझे ना 300 रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर मिला है, तुम ऐसा करना कल सुबह से ही शुरू कर देना। 300 रसगुल्ले? लेकिन 300 रसगुल्ले किस लिए? अरे सेठ जी के यहाँ कोई आयोजन है, उसी के लिए बोला है। लेकिन अम्मा होती तो कितना अच्छा होता, सब साथ मिलकर बना लेते। 300 रसगुल्ले अकेले बनाने में बड़ा अजीब लगता है। अब देखो, अम्मा तो नहीं है, बनाना तो पड़ेगा ना, जब अम्मा आएगी तब देखा जाएगा। अभी तुम बनाने की तैयारी शुरू कर दो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, मैं शुरू कर दूँगी तैयारी। चलो इन रसगुल्लों को अब जरा चाशनी में दे दूं। अरे मिनी कहाँ है? अरे मिनी, तुम अकेले ही काम कर रही हो, मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने सोचा आप आराम कर रहे हो, तो आप थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं यहाँ पर तब तक कुछ काम कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने काम शुरू कर दिया, और कोई बात नहीं है। अरे लाओ लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना अब बहुत देर हो जाएगी। चलो, और तुम अकेले थक भी जाओगी, अब मदद तो करनी ही चाहिए एक दूसरे की। जी, ऐसा लगता है बगल में मिठाइयाँ बन रही है, रसगुल्ले की महक यहाँ तक आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। छोड़ो, अब ये गांव तो बड़ा अजीब सा है, हम लोग जब से आए हैं कोई हमसे मिलने ही नहीं आ रहा है, और न ही कोई हमसे बात कर रहा है। अब रसगुल्ले की महक आ रही है तो क्या करोगी, वहाँ जाकर रसगुल्ले मांग लोगी क्या? मैंने तो यूँ ही कहा, आप तो बात का बतंगड़ बनाते हो। अरे चुपचाप रहो, तुम यहाँ अकेली रहती हो, मैं बार बार चला जाऊंगा बाहर काम करने के लिए, ज्यादा लोगों से मेल जोल मत बढ़ाना, ज्यादा मेल जोल बढ़ाओगी तो ज्यादा टेंशन होगी। हाँ याद रखो, जितना अपने आप में रहोगी उतना ही सुरक्षित रहोगी, और जितना दूसरों के मामले में टांग अड़ाओगी उतने ही मुश्किल में रहोगी। ये लो, मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं, मैं कौन सा झगड़ा करने जा रही हूँ, मैं किसके मामले में टांग अड़ा रही हूँ, मैंने तो यूँ ही कहा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ यहाँ के बाजार, और थोड़ा राशन वगैरह लाकर रख देता हूँ। ठीक है, खाना तो खा लो। हाँ हाँ, बस खाना खा ही रहा हूँ। गोभी कैसे जोड़ा दिए? वही
50 रुपए जोड़ा है भैया, और ले जाना है ले जाओ, लेकिन 50 से 1 रुपया कम नहीं होगा। अच्छा, 1 जोड़ा दे देना मुझे। अरे नए लगते हो गांव में, कब आए और कहां से आए हो? अरे मैं तो पास के ही गांव से आया हूँ। वो थोड़ा बाढ़ के पानी में हमारा घर टूट गया था और बह गया था, इसीलिए हम लोग दूसरे गांव चले आए हैं। हमारा घर ठीक होगा तो यहां से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, जब भी सब्जियां लेना हो ना मेरे पास आ जाना, या मुझे अपने घर का पता बता दो, वहीं पहुंचा दूंगा। और नहीं भाई, मैं खुद ही आ जाऊंगा। अरे तूने तो उसे बड़े महंगे में गोभी बेच दिए। अरे नया है, जब तक लूट सकते हैं तब तक तो लूटेंगे ना, बाद की बाद में देखी जाएगी, क्या कहता है? हाँ वो तो है, चल कोई बात नहीं है। ये लो बिजली, और मैं थोड़ा निकलूंगा, अब पास के ही गांव में जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, रात में नहीं लौटूंगा, कल सुबह लौटूंगा, याद रखना। हाँ जी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आप आराम से जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ है मंटू भैया, रसगुल्ले बन गए हैं क्या? मालिक ने भेजा है। अरे हाँ हाँ रसगुल्ले बन गए हैं, और लाओ मिनी। चलो भैया जा रहा हूँ, जल्दी पहुँचना है। और हाँ सेठ जी ने बोला है अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाना। हाँ हाँ भाई पहुँच जाऊँगा। जी उन्होंने हमें बुलाया है खाने पे। हाँ बुलाया तो है, जिन जिन लोगों ने उनके काम में मदद की है उन सबको बुलाया है। तो फिर हम चलेंगे? देखता हूँ। अरे हम जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, क्या कहती हो? अरे इसमें कौन सी बात है, हम कौन से भूखे नंगे हैं, हम भी जाएंगे। चलो तो सही, देखूंगी मैं बड़े लोगों के कैसे आयोजन होते हैं। अच्छा ठीक है शाम को चलेंगे। अरे मिनी और मंटू, मौसी नहीं आई? मौसी गई हुई है मायके, इसीलिए हम दोनों ही आए हैं। अच्छा किया, जाओ वहाँ खाने का आयोजन है, वहाँ बैठकर बढ़िया से खाओ। माली मौसी होती तो मजा आता, बिना मौसी के तो सब सूना सूना है। अरे मौसी भी आ जाएगी, तू परेशान क्यों होता है, इस गांव में मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं है, सब आएंगे सब। अरे रे 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 कहाँ है मेरे बच्चे? अरे ये देखो आ गई मौसी। अरे अम्मा तुम कैसे अचानक से आ गई? अरे ये मुआ टीकू है ना, मुझे मेरे मायके से बुला कर लाया है। हाँ अरे इस गांव की सबसे पुरानी हूँ मैं, मेरे बगैर इसके बेटे का ब्याह हो जाए ऐसा हो सकता है क्या? क्यों रे? हाँ मौसी वही तो मैं कह रहा था, गांव में कोई भी नहीं छूटना चाहिए, तुम कैसे छूट जाओगी, बोलो सही है कि नहीं? अरे रे रे कलमुहा तू एकदम सही कहता है। मालिक एक बात समझ में नहीं आती। क्या? मालिक आप तो ठहरे सफेद बत्तख, और मौसी बार बार आपको कलमुहा क्यों कहती है? अरे वैसे ही जैसे वो तुझे नास पीटा और कमीना कहती है, चल हट और काम देख उधर जाके। मालिक मैं तो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं है, जाओ वहाँ देख मेहमान खाना खा रहे हैं या नहीं।
अरे ये सब तो लगता है भोज खाकर आ रहे हैं। अरे बड़ा स्वादिष्ट भोजन होगा, ये सब खा खा के आ रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है खाने को, क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। ये नीली चिड़िया अच्छी लग रही है, इसी को पकड़ती हूँ और उसके बाद इसके पति से मंगवाऊंगी खाना। और तुम कौन हो? मैं हूँ भूतनी बाज, इसी पेड़ पर रहती हूँ। अब मुझे भी भूख लगी है, अब मुझे भी खाना है। अच्छा अच्छा जाओ और लेकर आओ मेरे लिए, वरना तुम्हारी बीवी के गर्दन मरोड़ दूंगी। अरे ठहरो ठहरो, मैं जाता हूँ मैं लाता हूँ, अभी जाता हूँ। भाई एक प्लेट खाना दे दो। अरे आपने तो बैठकर खाना खाया था ना? हाँ भाई, बस अभी बहुत ज़रूरी है, एक प्लेट बस खाना दे दो। ठीक है भैया, ले जाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये लो खाओ, अब मुझे जाने दो, अब छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे, मुझे अगर और खाना हुआ तो मैं लाकर दूंगा, अभी इसे जाने दो, मैं अभी तुरंत पहुंचा दूंगा। ऐसा करो मेरी बीवी को भी छोड़ो, हम दोनों दो प्लेट लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। जा, लेकिन मुझे धोखा ना देना, हाँ याद रखना। जान बची तो लाखों पाए, चलो चलो भागो यहाँ से, ये भूतनियों का चक्कर बहुत बुरा होता है। क्या पता खाना खाने के बाद बोलती कि तुम्हें खाऊंगी, तब तो और बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ जी चलो, ये कहाँ से आ गई? लगता है इन्होंने मुझे धोखा दिया है। अच्छा ठहर जा बेटा, मैं तो तेरा घर पता करके रहूंगी, फिर तुझे कौन बचाएगा? देख लेना, तेरा मैं बहुत बुरा हाल करूंगी, भूख से मेरा पेट जल रहा है ना, मैं तुझे जिंदा जला दूंगी, देख लेना। यही है वो घर, आज की रात इस घर की आखिरी रात होगी। अरे ये तो भूतनी बाज है, इसने तो इसके घर में आग लगा दिया, सारे लोग सोए हुए हैं, वैसे तो ये मारे जाएंगे। अरे जागो जागो, तुम्हारे घर में आग लगा है, आग आग, ओ गांव वालों उठो जल्दी जल्दी, देखो आग लगा है, अरे उठो। अरे अरे देखो देखो आग लगी है, पानी लाओ पानी। अरे भाई ये तो आग बुझ गई, मंटू मिनी आज तुम्हारी जान बच गई है, और वो भी तुम्हारे इस पड़ोसी की वजह से, वरना तुम लोग तो मारे गए थे। अरे ये बात तो है, देखो वो भूतनी बाज ने क्या हाल किया हमारे घर का, अब क्या होगा आगे, आप ना होती तो हमारा क्या होता। मैं तो आपकी पड़ोसी हूँ, मेरा तो फर्ज है आपकी मदद करना, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे कल को कोई दिक्कत होगी तो क्या आप मेरी मदद ना करेंगे? अरे हमने सोचा पता नहीं आप कैसी होंगी, हम तो आपसे बात भी नहीं कर रहे थे, सेठ जी ने तो आपको खाने पे भी नहीं बुलाया था, ये गलत है, हमने गलती करी।
कोई बात नहीं, नए लोगों से हर कोई थोड़ा परेशान रहता है। उन्हें पता नहीं होता है सामने वाला कैसा है और कैसा नहीं, इसलिए हम लोग इन बातों का बुरा नहीं मानते हैं। आप आराम से अपने घर को अब सुरक्षित कर लें, और मैं तो कहूँगी भूतनी बाज का इलाज हमेशा के लिए ढूंढ लें, और वो करने के लिए आपको तांत्रिक के पास जाना होगा। अगर इस गांव में कोई तांत्रिक है तो उसे बुलाकर आप अपना काम पूरा कर लें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं जाता हूँ अभी तांत्रिक उल्लू के पास। अच्छा, आप मिनी बहन मेरे घर में आ सकती हैं। मेरे घर में वैसे भी अभी मेरे पति नहीं है। जब आपका घर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए तो फिर आप अपने घर में जाना। अच्छा, मैं आपके ही घर चलती हूँ। उल्लू जी, ओ तांत्रिक उल्लू जी, मेरी मदद करिए। मुझे पता है तेरे घर को आग लगा दी गई है और तू किसी तरीके से जान बचा कर आया है। मुझे सब पता है, उस भूखी भूतनी बाज ने ऐसा किया है। कोई नहीं, मैं तुम्हारे घर को नहीं बल्कि उसके ही घर को घेर देता हूँ। ये ले, अब ये अपने पेड़ से कहीं भी नहीं निकल पाएगी। कोई इसके पेड़ में चढ़ेगा तभी ये उसे परेशान कर पाएगी, वरना अब ये यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। गांव के किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अरे लेकिन मैं खाऊंगी कैसे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे आजाद रहने दो। हम तुम्हें आजाद नहीं रहने दे सकते, तुमने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें यही रहना होगा। गांव वाले अगर कुछ तुझे दे देंगे खाने को दया करके तो तुझे खाना होगा, वरना इसे ऐसे ही पड़े रहना होगा। मंटू भैया, आप परेशान मत होना, हम आपके साथ मिलकर आपके घर को ठीक कर देंगे। जल्दी ही आपका घर भी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारे जैसे पड़ोसी हो तो ऐसा ही होगा। और इतना कह के दोनों फिर खाना खाते हैं और फिर घर बनाने में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों का घर तैयार हो जाता है, वो अच्छे से रहने लगते हैं। अरे बिजली, जल्दी करो, कितना देर कर रही हो। ये लो, पोटली में खाना दे दिया है। अभी सेठ जी का बगान है बहुत दूर, तो तुम्हें वक्त लग जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखो बारिश अब तेज होने वाली है, मुझे जल्दी जाना है और जल्दी आना है। बाबा मैं भी जाऊंगा। अरे तू कहाँ जाएगा, झूठ मूठ का, इस बारिश में ठंड भी है, तू घर पे रह। नहीं बाबा, मैं भी जाऊंगा, मैंने कभी खजूर का बगान नहीं देखा, मुझे भी देखना है। बाबा मुझे साथ लेके चलो ना। अरे नहीं नहीं, बिजली समझाओ इसे, इस बारिश में कहाँ जाएगा ये। नहीं बेटा, देख रहे हो ना कैसी बारिश हो रही है। ऐसे बारिश में कई बार पहिए फंस जाते हैं और बैलगाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ती है, बहुत मुसीबत हो जाती है। बारिश की बूंदों की चोट की वजह से तुम मुड़ भी नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो ना। जब बाबा को कुछ नहीं होगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरे एक जाने से क्या होता है। अम्मा तुम जाने नहीं देती मुझे। अच्छा अच्छा, चल जा। अरे तुम भी ना। क्या करूं, इतना जिद कर रहा है, ले जाइए इसे, खुद समझ में आएगा जब ठंडी ठंडी हवाओं से परेशानी होगी। चलो 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 जल्दी, ज्यादा देर मत करो, और देर करा रहे हो मुझे। चलो जल्दी जल्दी जाना है, फिर सेठ जी को भी लेना है। सेठ जी, ओ सेठ जी, चलना है, चलिए। सेठ जी मैं ले आया हूँ बैलगाड़ी। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आज जग्गू को भी साथ ले लिया है। हाँ देखिए ना, ये बहुत जिद करने लगा, मैं भी देखूंगा खजूर का बगीचा, और मैंने कहा अच्छा चलो, ठीक किया, चलो अब।
बाबा इतनी दूर हम आ चुके हैं लेकिन अभी तक बगीचा नहीं आया है। कहाँ सेठ जी का घर वहाँ पे है? इतना दूर बगीचा इन्होंने क्यों लगाया? इतना दूर तो लगाना ही नहीं चाहिए। अरे हाँ बच्चे, लगाना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ, मैंने भी ये बगीचा नहीं लगाया है। ये बगीचा लगाया है मेरे बाप दादा ने, इसीलिए उस समय से ही ये दूर है तो सब दूर है। अरे सेठ जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बच्चा है ना, जो मन में आता है बोल देता है। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा, इसकी वजह से तो सफर भी आसानी से कट रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, कहाँ मेरा घर और कहाँ ये बगीचा, बहुत दूर है ये बगीचा। हाँ मालिक, दूर तो है लेकिन अब पहुँचने ही वाले हैं। लीजिए मालिक, आ गए हम। चलो भाई चलो, अब ऐसा करो जल्दी जल्दी पेड़ों पर चढ़कर देखो और उतारते जाओ खजूर को। हाँ मालिक, जा रहा हूँ। मालिक, इस मटके में तो कुछ भी नहीं है। मालिक, यहाँ भी कुछ नहीं है। मालिक, ये भी खाली है। मालिक, यहाँ भी कुछ नहीं है। मालिक, किसी भी मटके में खजूर का रस नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है, खजूर का रस कहाँ चला जाएगा? हाँ, धरती पी जाएगी, आसमान खा जाएगा। इस बार खजूर के रस से मुझे अच्छा खासा मुनाफा होने वाला था, ये सब कैसे हो सकता है? मालिक, ये आपके घर से बहुत दूर है, ऊपर से कोई जोग वाला भी नहीं है जो इन चीजों को देखे और चोर उचक्कों से बचाए। मुझे तो लगता है किसी ने सारे खजूर के रस चुरा लिए है। हाँ ये तेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई है जो चोर है जो खजूर के रस को चुरा रहा है। चलो अब यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, वापस लौट जाते हैं। आऊँगा 5-7 दिन बाद, फिर तब देखूँगा, शायद इस बार मुझे मिल जाए खजूर का रस। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करेंगे। अरे क्या हुआ जग्गू, तुम खाली हाथ हो? बाबा भी खाली हाथ है, कहाँ गए खजूर के रस की हांडी? माँ, सारे खजूर के रस चोरी हो गए, सेठ जी को एक भी खजूर का रस नहीं मिला। अरे तुम क्या इस बच्चे की बात में आती हो, हो सकता है खजूर बना ही ना हो, सेठ जी ने कहा है 5-7 दिन बाद फिर चलेंगे। बाबा इस बार भी मैं चलूँगा। नहीं नहीं, इस बार तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बाबा। अच्छा तब की तब देखी जाएगी, अभी चल मुझे भूख लगी है। एक तो इतने दूर का सफर किया, ऊपर से काम भी नहीं हुआ। तुमने कुछ खाना बनाया है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं खाना बना ही रही हूँ, आप बैठो आराम से, मैं खाना लेकर आती हूँ। पता है बिजली, सेठ जी का ना चेहरा बड़ा उतरा हुआ था, गुस्से में एकदम से तमतमा रहे थे, लग रहा था जैसे उनका मुनाफा किसी ने छीन लिया और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अजी, अगर कोई इतनी मेहनत करे बगीचे के पीछे और उसे फायदा ना हो तो वो तो ऐसा करेगा ही ना। हाँ वही बात है ना। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है, शायद चोरी हो गया होगा। पता नहीं, लेकिन एक भी घड़ा में थोड़ा सा भी नहीं था। शक तो मुझे भी हो रहा है, इतना दूर है वो बगीचा कि उसकी देखभाल कौन करेगा, रात में कोई भी आसानी से चुरा सकता है। चलो अब देखा जाएगा 5-7 दिन बाद जो होता है। जाओ भाई जाओ, जल्दी जल्दी मटके उतारो और इस बड़े से हांडी में भरो। हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे चलो भाई, सारे मटके का रस आ गया, चलो अब बेचेंगे इसे ऊंची कीमत में, मजा आ जाएगा।
आज हम चलेंगे, देखेंगे कितना रस जमा हुआ है। ठीक है मालिक, मैं थोड़ी देर में बैलगाड़ी तैयार करता हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सेठ जी चलिए। जाओ कालू, जरा देखो तो, और चील तुम भी देखो तो, हमारे मटकों में इस बार है कि नहीं खजूर का रस। नहीं मालिक, एक भी मटके में खजूर का रस नहीं है मालिक। मालिक मुझे भी कुछ नहीं दिखा, इस बार भी खजूर का कोई रस नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई चोरी कर रहा है। किसकी मजाल हुई जो टीकू सेठ के बागान से चोरी कर ले। आज की रात हम यहीं रुकेंगे, देखता हूँ मैं कौन है, उसकी हड्डी पसली एक न कर दी तो फिर कहना। ठीक है मालिक। मालिक भूखा प्यासा हूँ, भूख लगी है मालिक। अरे चुप कर, अभी तुझे खाने की पड़ी है। मेरा दिमाग गुस्से से लाल है, कौंध रहा है। तुझे पता है दो बार से आया हूँ और दोनों बार खजूर के रस नहीं मिले हैं। खाली खाली गया हूँ, एकदम मिजाज गरम हो गया है मेरा। मालिक बात तो सही है, लेकिन मालिक क्या कर सकते है, हम तो इंतजार ही कर सकते है न। तो फिर बैठ और चुपचाप इंतजार कर। देख देख, लगता है कोई आ रहा है। अरे जाओ जाओ, जल्दी जल्दी मटके से सारा रस निकाल लो। हाँ भैया, निकालता हूँ, आप यहीं पे रुको, मैं सारे मटके खाली कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ, जल्दी जल्दी सारे रस ले आता हूँ। मालिक आगे बढ़ूं क्या? अरे नहीं, भर जा, पहले दोनों घड़े भर जाने दे, उसके बाद पकड़ेंगे इसे। क्यों बे, तू ही है, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे बगान से मेरे ही खजूर का रस चुरा ले। हाँ माफ कर दो सेठ जी, माफ कर दो, बस थोड़ा सा लालच में फंस गया था। अरे लालच में फंसा तो अच्छी बात है, मुझे भी भूख लगी है, खा लूंगा मैं तुझे। मुझे भी खाने को काले कौवे मिलेंगे, नरम नरम मांस, बहुत दिन से नहीं खाया हूँ। हाँ हाँ खा ले इसे, खजूर के साथ लपेट लपेट कर खा ले, इसी रस में डुबो डुबो कर। नहीं नहीं सेठ जी, माफ कर दो, इतनी बड़ी सजा मत दो, गलती हो गई है हमसे, अब की गलती नहीं होगी, अब हम इस बगान के आसपास भी नहीं दिखेंगे। अरे तू रहेगा तभी तो दिखेगा ना। हाँ तूने मेरा कितना मुनाफा चट किया है, तुझे पता भी है। अरे मैं सारे पैसे दे देता हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दो, मैं सारे पैसे दे देता हूँ। अरे कैसे दे देता हूँ, चल तेरे घर चलते हैं। मेरे घर के अंदर अभी पैसे हैं, अभी देता हूँ मैं। अरे बाप रे, इतना सारा धन दौलत, अरे तू कौन सा चोर है, कहाँ से लाया इतना सारा, ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है, तूने लगता है खूब माल लूटा है लोगों का। अरे आपको अपने माल से मतलब है ना, दूसरे का छोड़ो ना, मैंने क्या किया है और क्या नहीं। अरे यहाँ तो लग रहा है कि बड़ा खजाना लूटा गया है, चलो भाई इसके फैसले तो अब पंचायत में ही होंगे। अरे ये हार तो मेरा है, अरे ये वाली हांडी तो मेरी है।
ये दोनों तो पक्के वाले चोर हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें पीट पीट कर मार डालो, इन्हें जिंदा ही मत रहने दो। अब देखो ये जिसकी जिनकी दौलत है उन सबको वापस करो तुम दोनों, और जल्दी से। सेठ जी ये रहा आपका पैसा। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, हम कहीं भी अब कोई चोरी चपाटी नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमें लोग बुरा कहें। पक्की बात है ना? जाओ, तुम्हें आखिरी मौका दिया, इसके बाद कभी भी अगर तुम चोरी करते पकड़े गए तो याद रखना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा मैं। नहीं मालिक, अब मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं करूंगा, और हम दोनों अब अच्छे से रहेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। ठीक है, जाओ। देखो तो भाई आज खजूर है कि नहीं। मालिक आज तो खजूर ही खजूर है, खूब रस है। चलो अच्छा है। ये लो बिजली, खजूर का रस, आज जग्गू के लिए खीर जरूर बनाना, हमारे जग्गू को खीर बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो आज खीर खाऊंगा, अम्मा खीर बनाना। ये ले जग्गू, खा ले खीर। ये लीजिए, आप भी खीर खा लीजिए। अरे वाह, खजूर के रस का तो खीर ही गजब का है, अब मजा आ गया। चलो, इस खजूर के रस ने गांव वालों की खोई हुई संपत्तियां भी लौटा दी, उन दोनों चोरों ने खूब माल बनाया था। चलो बढ़िया हुआ, कम से कम पकड़े तो गए ना। और फिर दोनों खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं।